हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीओई डिपार्टमेंट की तरफ से जो 450 स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट आने वाली है उसके रिक्रूटमेंट रूल तैयार हो चुके हैं। दोस्तों, क्या क्या रिक्रूटमेंट रूल हैं, क्या चेंजेस हैं और क्या क्या नई चीज़ें इंक्लूड की गई है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को आराम से डिस्कस करेंगे, तो दोस्तों ध्यान से आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखना। तब तक अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और दोस्तों, यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? फ्रेमिंग ऑफ रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर। यहां पर आ जाते हैं, इन द परस्यूएंस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट सर्कुलर डेट 6/4/2021 उस टाइम पर कमेंट्स ऑफ स्टेक होल्डर ऑन द प्रपोज रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर आर हेयर बी इन्वाइटेड। कमेंट्स देयर ऑन शुड रीच दिस ऑफिस विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस सर्कुलर। Proposed recruitment rule for the said post are attached herewith. The issues with the prior approval of the competent authority. अब दोस्तों, क्या क्या है कि भाई 6/4/2021 यानी कि आज से ठीक एक साल पहले ये आया कि भाई रिक्रूटमेंट रूल्स बनाने के लिए सुझाव मांगे गए डीओई में। दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल तरीके से काम करती है, वो ये काम नहीं करती कि मामला उलझ जाए। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, आपको सुबह ऊपर समझ ही आ गया होगा, ये एमसीडी के अंतर्गत वैकेंसी नहीं आएगी। जो 1126 वैकेंसी है वो इस एमसीडी के अंतर्गत आई हुई है। अब जो ये 450 आएंगी, ये आएंगी डीओई डिपार्टमेंट यानी कि जो केजरीवाल गवर्नमेंट है उसके अंतर्गत। अब यहाँ पर देख लेते हैं, नेम ऑफ पोस्ट क्या रहेगा स्पेशल एजुकेटर, नंबर ऑफ पोस्ट क्या है 450 जो कि मैंने बता दिया 2022 में, सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपार्टमेंट ऑन वर्क लोड। और थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, ऐसा कुछ एग्जैक्टली क्लियर नहीं होता है कि भाई इतनी रहेंगी। ग्रुप बी होगा, ये सबसे सिंपल सी बात है। पे लेवल जो है वो 6 रहेगा और बेसिक जो पे रहेगा वो रहेगा 35,400 और 1,12,400, ये एक रहती है जो भी इनकी टर्म रहती है कि भाई ये सेलेब हो गया कि यहाँ से यहाँ तक लास्ट यहाँ तक जाएगी। वेदर सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट नॉट एप्लीकेबल। एज लिमिट फॉर क्या रहेगी, वो 30 साल रहेगी, 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और एज रिलेक्सेशन मिलेगा अकॉर्डिंग टू कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू जो है कास्ट सर्टिफिकेट जातियों के हिसाब से जो भी है ओबीसी एससी को वर्क के हिसाब से यहाँ पर छूट मिलेगी। ये 40 साल का भी यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल मेंशन नहीं किया, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि 10 साल का एज रिलेक्सेशन बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया, वो बाद में मिलेगा, वो बात अलग है अगर मिलता है तो। एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स। अब क्या क्या यहाँ पर होनी चाहिए, सबसे पहला देख लेते हैं। देखो दोस्तों, 12th तो सबकी होनी ही चाहिए। 12th के बाद अब क्या क्या लोग करते हैं यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, 12th के बाद 2 ईयर डीएड स्पेशल एजुकेशन इन एनी ऑफ द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी। HI में क्या हो, हियरिंग इंपेयरमेंट में क्या हो, ID में क्या हो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या हो, LD में क्या हो, लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या हो, CP में क्या हो, सेरेब्रल पाल्सी में क्या हो, ASD में क्या हो, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में क्या हो, VI में क्या हो, विजुअल इंपेयरमेंट में क्या हो, किसी में भी क्या हो, वो एलिजिबल है। 12th पास एंड 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन DSE इन एनी ऑफ द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, कोई सी भी कैटेगरी हो। एक साल का डिप्लोमा दोस्तों 2002 या 2001 से पहले होता था, एक्जैक्टली मैं यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा। एक हमारे नॉन थे जिनके पास एक साल का डिप्लोमा था मगर उन्होंने काफ़ी पहले किया हुआ था। डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, अगर दोस्तों किसी ने भी डिप्लोमा किया हुआ है कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन में विद 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड और 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है तो वो भी एलिजिबल हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन किया हो और उसके साथ साथ 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स किया हो एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ये काफ़ी सारी कोर्सेज जो हैं वो बंद भी हो चुके हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर डिप्लोमा इन मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर MRW जो कि अब नहीं होते, ये कोर्स जो पहले कर रखे हैं जिन लोगों ने उनके लिए भी है कि भाई वो लोग एलिजिबल हो जाएंगे विद 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ, अगर दोस्तों किसी ने भी जूनियर डिप्लोमा किया रखा है टीचिंग डेफ में तो वो भी एलिजिबल है। प्राइमरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन विजुअल इंपेयरमेंट, अगर प्राइमरी लेवल का किसी ने टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ है विजुअल इंपेयरमेंट में तो वो भी एलिजिबल है। डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहेबिलिटेशन मेंटल रिटार्डेशन DVR MR में किया हो, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन कोर्स होता है, मैं इसके लिए भी मैं पहले काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ। ये मान लीजिए कि इस वीडियो के अंदर उन सभी सवालों का जवाब है जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, वो लोग काफ़ी सारे ये लोग पूछ रहे थे कि सर हम एलिजिबल हैं, तो भाई DOE ने साफ क्लियर कर दिया कि आप लोग एलिजिबल हो। वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट मेंटल रिटार्डेशन DVT MR विद 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच DHLS विद 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। 12th पास विद एनी RCI रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन
एंड 6 month सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। दोस्तों 12th पास हो और आज से रिकॉग्नाइज कोई भी क्वालिफिकेशन हो 1 साल की और उसके साथ 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स, एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय आरसीआई। अगर आरसीआई कोई आरसीआई का कोई ऐसा कोर्स जो इन सभी के इक्विवेलेंट हो वो भी एलिजिबल हो जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों सीटेट जो है वो प्राइमरी स्टेज का वो होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन के लिए मैंने बता दिया है, रिलैक्सेशन अप टू 5% ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी अलाउड। और दोस्तों 5% का क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो अलाउ किया जाएंगे रिजर्व कैटेगरी को, एससी एसटी ओबीसी पीएच को। और यहाँ पर दोस्तों ईडब्ल्यूएस मेंशन नहीं किया है, मेरे हिसाब से ईडब्ल्यूएस जनरल में ही जाएंगे बट उनकी मेरिट जो है अलग लगेगी। जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ, अगर कोई यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से क्लियर करेगा तो कमेंट बॉक्स में उसका स्वागत है। रजिस्ट्रेशन विद रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आरसीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। नोट क्वालिफिकेशन आर रिलेक्सेबल एट द डिस्क्रेशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन केस ऑफ कैंडिडेट अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। ये आ जाती है चीज़ें। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं भाई, वेदर एज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर डायरेक्ट रिक्रूट विल अप्लाई इन केस ऑफ प्रोमोट नहीं होगी। पीरियड ऑफ प्रोबेशन जो है वो 2 साल का होता है, जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो 2 साल का प्रोबेशन होता है। यहाँ पर जो चीज़ें इन्होंने लिखी हुई है वो छोड़ दीजिए। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट 100% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट होती है यानी कि कोई इसमें इंटरव्यू वगैरह नहीं होता, सीधा एग्जाम क्वालिफाई करो और ले लो। ये सारी चीज़ें छोड़ते हुए चलते हैं और ये आपके मतलब की चीज़ें नहीं हैं। तो जो चीज़ें थी वो थी, ये थी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल की शुरुआत आज से ठीक 4 साल पहले हुई थी, 4 साल हमारे चैनल को हो चुके हैं और आप लोगों का बे इंतहा प्यार मिला है। 43,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, आप चैनल सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू।